बिसम राय अल्लाम दिस वीडियो इज़ एन इंट्रोडक्शन अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड टेक्निकल टॉपिक विच इज़ वेरियंस एनालिसिस वेरियंस एनालिसिस का डायरेक्टली लिंक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ क्योंकि जब तक आप किसी प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड कॉस्ट फाइंड आउट नहीं कर लेते तब तक उसका वेरियंस नहीं निकाल सकते सो दीज गो टूगैदर हैंड इन हैंड दैट फर्स्ट वी डिटर्मन द स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर अ प्रोडक्ट एंड देन वी इवेल्यूएट और मोनिटर दैट हाउ मच वी हैव कम्पलाइड टू देंस एनालिसिस है डेफिनेटली uh, हमारी जो सेल्स uh, होगी उसमें भी वेरिएंस आ सकता है ये एक्चुअली ये वेरिएंस हमें चाहिए होता है जो मेरे बजटेड बजटेड प्रॉफिट्स हैं उसको मैंने एक्चुअली कंपेयर करना होता है मेरे एक्चुअल प्रॉफिट के साथ सो प्रॉफिट बेसिकली कम्प्राइज किस चीज़ पर होता है सेल्स की फिगर पर और उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल कॉस्ट ऑफ़ सेल्स है उसमें क्या क्या शामिल है मटेरियल्स की कॉस्ट लेबर की कॉस्ट और फिक्स्ड ओवरहेड्स और वेरिएबल ओवरहेड्स सो इन सब के वेरियंसिस हमें फ़ाइंड आउट करने पड़ते हैं और अगर हम आ, इसको रिकंसाइल करना चाहें तो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं कि हमारे जो भी बजटेड प्रॉफिट्स होते हैं जो हमने साल के शुरू में सोचा था उसमें अगर हम जितने भी वेरियंस हमने वर्कआउट किए सेल्स का मटेरियल लेबर ओवरहेड्स तो जब हम ये वेरिएंसेस प्लस माइनस कर लें जितने भी अगर फेवरेबल हैं तो अकॉर्डिंगली uh, उसको एडजस्ट और अगर फेवरेबल हैं तो अकॉर्डिंगली एडजस्ट तो फिर हमारे पास जो प्रॉफिट आना चाहिए वो एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा ठीक है जी so, सो ये दिस इज़ बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन बजट एंड एक्चुअल रिजल्ट जो वेरियंसिस हैं सो so, ये वेरियंस हम अलहदा आलहदा फाइंड आउट करना सीखेंगे और लास्ट में एक ऐसा टॉपिक है दैट इज़ बैकवर्ड वर्किंग यानी अगर आपको वेरियंस दिए हुए वे हों और आपने इन दोनों में से कोई एक यानी कि बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट इन द, इनक, इनके एक्चुअल प्रॉफिट इनके दरमियान जो डिफरेंस होता है वो किस वजह से होता है वेरिएंस तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि आपको ये दोनों चीज़ें दी हुई हो हों और एग्जामिनर आपसे वेरिएंसेस पूछ ले लेकिन इससे ज़्यादा एक आ, मुश्किल चीज़ वो ये कर सकता है कि आपको वो लेट्स से बजटेड रिजल्ट्स दे दे और वेरिएंस दे दे और फिर आपसे पूछे कि जनाब मुझे एक्चुअल प्रॉफिट्स या एक्चुअल रिजल्ट्स रिजल्ट एक्चुअल जो इनकम स्टेटमेंट है वो बनाकर दिखाओ या एक्चुअल प्रॉफिट्स बताओ कितने होंगे सो दैट बिकम्स अ वेरी वेरी ट्रिकी एरिया जो uh, सबसे आखिर में है सो वन बाय वन हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं Uh, यहाँ तक आपका कुछ सवाल होगा तो हम उसको आंसर करेंगे थैंक यू वेरी मच टेक केयर